माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बड़े खुश होंगे। जी हाँ, आज बात करेंगे हम उन लोगों के बारे में जिनको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है। एक तो गर्मी है, ओपन पोर्स, गर्मी भी ओपन पोर्स की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। दूसरा ये कि वैसे भी बहुत सारे लोगों को जो बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करते हैं, तो उनको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम होता ही है। तो आज हम करेंगे इस छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व। छोटा प्रॉब्लम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो रेमेडी आज हम करने जा रहे हैं उसके आगे ये प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम है ही, क्योंकि बहुत सिंपल सी रेमेडी है और उसको जब हम करेंगे तो ओपन पोर्स का प्रॉब्लम जिन लोगों को है वो काफ़ी हद तक क्योर हो जाएगा। क्योंकि आप देखिएगा कि आप 1 वीक अगर इसको रेगुलर यूज़ करते रहेंगे तो आप देखिएगा कि आपके ओपन पोर्स जो हैं वो काफ़ी शेयरिंग हो जाते हैं। देखिए, पोर्स कभी बंद नहीं होते, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी जो स्किन है इसके अंदर पोर्स हैं, तभी हमारी स्किन जो है वो ब्रीथ कर पाती है, सांस ले पाती है। तो हम इसको क्लोज तो नहीं कर सकते, ओपन पोर्स को बंद नहीं कर सकते, लेकिन शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे कि ओपन पोर्स हैं, बड़े हैं, लेकिन उनको शेयरिंग करेंगे, मतलब कि जब हम ये टोनर यूज़ करते रहेंगे वो शेयरिंग हो जाएंगे, मतलब काफ़ी हद तक वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट बंद नहीं होते क्योंकि हमारी स्किन ने इसमें से सांस लेना होता है। ठीक है जी, आज की रेमेडी जो है उन लोगों के लिए भी है जो कहते हैं कि हमारी स्किन पर ग्लो नहीं आती, तो इस रेमेडी से जो है आपके फेस पर ग्लो भी आएगी और आपका फेस जो है काफ़ी आपकी स्किन खिली खिली सी नज़र आएगी, फ्रेश नज़र आएगी। और देखिएगा कि जितने भी आपकी स्किन के इश्यूज हैं वो आपके आज की सिंपल सी रेमेडी जो है वो इन सब प्रॉब्लम्स को क्योर करेगी। तो चलिए जी, सबसे पहले बात करेंगे कि आज की रेमेडी किन चीज़ों से हो रही है। आज की रेमेडी जो है वो हो रही है लेमन ग्रास से। लेमन ग्रास जो है वो हम वेट लॉस के लिए भी यूज़ करते हैं, लेमन ग्रास जो है वो एज अ टोनर हम स्किन के लिए यूज़ करते हैं, और लेमन ग्रास जो है वैसे भी अगर आप इसकी ग्रीन टी बना के पीते हो तो आप देखिएगा कि इससे आपका वेट लॉस बहुत अच्छा हो जाता है। आप 1 वीक तक रेगुलर दिन में 2 दफ़ा लेमन ग्रास का ग्रीन टी पीते रहो और आप देखिएगा कि वेट में कितना अच्छा फर्क पड़ता है, वेट भी लॉस होगा और आपकी स्किन, देखिए एक चीज़ आपका वेट लॉस कर सकती है तो आपके ओपन पोर्स या स्किन को ग्लोइंग क्यों नहीं कर सकती, तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा इससे। तो चलिए जी, सबसे पहले तो हम रेमेडी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि रेमेडी हम कैसे रेडी कर रहे हैं। तो चलिए रेमेडी की तरफ। मैंने लिया है एक पैन और उसको हमने आग पे चढ़ा दिया और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 कप पानी। पानी आपने लेना है कौन सा, पीने वाला पानी लेना है, और ये 2 कप हो गए। और इसी पानी के अंदर जो है मैं डाल रही हूँ लेमन ग्रास। ठीक है, लेमन ग्रास कितना, इतना डालेंगे लेमन ग्रास तकरीबन 1 जो है वो चुटकी जैसे भर के। ठीक है, लेमन ग्रास 1 चुटकी। और घर में हम नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू पानी के जो नींबू के छिलके होते हैं वो बच जाते हैं। ठीक है, जूस हमने निकाल लिया और ये लेमन के जो छिलके हैं वो बच गए। ये 2 लेमन के छिलके हैं और ये दोनों जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और इसके अंदर से जूस, मतलब जूस नहीं आपने डालना, जूस आपने निकाल लेना है, और जो अक्सर छिलके बचते हैं वो हमने हैं इसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, और अभी इसको पकाएंगे और इसको इतना पकाएंगे कि ये तकरीबन 2 कप पानी जो है ये 1/2 कप रह जाएगा, और जब ये 1/2 कप रह जाएगा तो फिर हम इसको ठंडा करेंगे। इसको आपने ऊपर से ढक देना है, यानी ढक के पकाना है, खुला नहीं छोड़ना, ढक के पकाना है। टोनर हमारा हो गया रेडी और मैंने फ्लेम बंद करके ये जो सॉस पैन है इसको मैंने नीचे उतार दिया है, मतलब ठंडा हो गया टोनर। तो अभी हम इसको किसी सेपरेट बोतल में डालेंगे। जी ये देखिए टोनर है। जी हाँ, रेमेडी आप देख चुके हैं कि कितनी सिंपल सी रेमेडी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली बात कि आपने जो मैंने बताया रेमेडी में कि आप यहाँ पर पीने वाला पानी यूज़ करेंगे, जो पानी हम पीते हैं वो यहाँ यूज़ करेंगे, और लेमन के छिलके जो है वो आप यूज़ करेंगे। चलें जी, रेमेडी बनकर रेडी हो गई। अब आपको मैं बताऊँ इसका तरीका कर कि आप यूज़ कैसे करेंगे। देखिए, आप जब भी इस रेमेडी को यूज़ करोगे आपका फेस जो है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, यानी गंदे फेस पर आप इसको यूज़ नहीं करोगे। आप फेस वॉश करते हो उसके बाद जो है आप इस स्प्रे को अपने फेस पर यूज़ कर लो। अब है कि इसको रखेंगे कहाँ, इसको फ्रिज में रखेंगे। देखिए, एक तो गर्मी है, दूसरा कोई भी चीज़ जब वो पका ली जाती है, पक जाती है, तो वो जो है वो थोड़े ही टाइम के बाद स्मेल छोड़ना शुरू हो जाती है, तो इसलिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे।
तो आप इसको हफ्ता दो हफ्ते भी यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप नया प्रिपेयर कर सकते हो, नया आप बना लो और यूज़ करो। अब प्रॉब्लम का ये है कि वो लोग जो इसको मतलब यूज़ कैसे करना है, यूज़ आपने दिन में जितनी दफ़ा फेस वॉश करना है, एक दफ़ा दो दफ़ा, तकरीबन आप एक दिन में कम से कम 3 से 4 बार टॉनर को फेस पर यूज़ करोगे, और रात को भी जब आपने फेस वॉश कर लिया तो आपने अपने फेस पर इसको अप्लाई किया और सो गए। अब इसका एक तरीका है, एक तरीका तो इसका ये कि आपने स्प्रे लिया और डायरेक्टली अपने फेस पर अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब दूसरा, वो लोग जो स्प्रे बोतल नहीं है, कोई मसला नहीं अगर नहीं है तो, आप वैसे भी इसको किसी बोतल में डालकर रख सकते हो, और आपने लेना है थोड़ा सा कॉटन, ठीक है, कॉटन लेना है और कॉटन के ऊपर आपने इसको डालना है, यानी कि डिप कर लें उस बोतल में, या मतलब कि जैसे भी थोड़ा सा ऐसे डिप किया और पूरे फेस पर आपने कॉटन के साथ इसको अप्लाई करना है। अब वो लोग जो ऑफिस वर्कर हैं वो इसको यूज़ कैसे करेंगे, आपने जब भी मेकअप करना है, मेकअप करने से पहले आपने अपने फेस पर ये टोनर लाजमी यूज़ करना है। आप देखिएगा कि आपकी स्किन कितनी फेयर सी लगती है, कितनी फ्रेश सी लगती है, क्योंकि इसमें हमने लेमन पील जो है वो यूज़ किया है। लेमन पील आपको पता है विटामिन सी का खजाना है ये, और लेमन पील से एक तो आपकी आपको अच्छी फेयरनेस मिलेगी, विटामिन सी है उसके अंदर इसलिए, दूसरा ये कि आपकी स्किन बहुत खूबसूरत सी हो जाएगी, बड़ी फ्रेश फ्रेश सी नज़र आएगी। स्किन की जितनी गंदगी है वो ये लेमन ग्रास और लेमन पील जो है वो आपकी स्किन से बाहर निकाल देंगे, और आप देखिएगा कि आपकी स्किन कितनी शाइनी सी लगती है और आपकी स्किन पे ग्लो कितनी अच्छी आ जाती है, ठीक है जी। बड़ा सिंपल सा टोनर है, बनाइएगा और ट्राई ज़रूर किया करें, और आप देखें कि कोई भी चीज़ जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको नहीं पता चलेगा कि उसके बेनिफिट क्या हैं, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी सिंपल सी रेमेडीज़ जो हैं वो हमारी लाइफ में बहुत कमाल करती हैं। तो ठीक है जी, आज की रेमेडी हमारी होगी कंप्लीट, लेकिन सबसे पहले ये कि देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि जितनी भी मैं वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड करूँ तो वो सभी की सभी जो है उनका नोटिफिकेशन आप तक टाइम के साथ आपके पास पहुँच जाए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फैमिली में फ्रेंड में किसी को इसकी ज़रूरत हो तो आप उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।